बोलिए विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मीपति नारायण की जय। प्रिय भक्तों, कार्तिक महात्म के अंतर्गत हम आपको सुना रहे हैं 12वें अध्याय की कथा, और ये कथा है जलंधर से भयभीत देवता विष्णु भगवान की शरण में पहुंचे। तो बोले विष्णु भगवान की जय। स्नेह के साथ हृदय से बोलिए नारायण। दो बार बोलेंगे नारायण नारायण। और आनंद लेना है भक्तों तो मन में भाव लाइए नारायण के प्रति। मन में भाव लाइए कि आप महर्षि नारद हैं और उन्हीं की तरह भक्ति करते हैं नारायण की, तभी कल्याण होगा आपका। तो नारायण तीन बार बोलेंगे हृदय से नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास, 12वां अध्याय लिखे वशिष्ठ यह दास। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री नारद जी कहते हैं नारायण नारायण, जब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भाग निकले, वह भाग कर वैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। किस प्रकार स्तुति की, आइए हम भी करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भराया, जय माता की। और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपके प्रिय हूं और भक्त हूं तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पदमधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे। नारायण नारायण, जहां पर जलंधर विद्वान था, विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर उन पर संपूर्ण बल से आक्रमण कर दिया, नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहां पर कार्तिक महात्म के अंतर्गत सुनाई जाने वाली कथाओं के 12वें अध्याय की कथा, जलंधर से भयभीत देवता विष्णु भगवान की शरण में पहुंचे,
समाप्त होती है तो स्नेह के साथ बोलिए नारायण, दो बार बोलिए नारायण नारायण, आनंद के साथ महर्षि नारद की तरह बोलिए नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय जय जय।